Hello, good morning everyone. How are you all? I'm your English teacher, Miss Sheila Chatterjee. So today we will do reading or chapter number 4. Because reading is very important, we have to give more and more practice for the reading. Not from only the reader book, you can read from your grammar book also. But today we will do chapter number 4 from our reader book. Today we will read a new story. So are you excited for the story? What is the story? What is there in this chapter? So let's find out together and let's start this class. Chapter number 4, Robot and the Cobbler. Here is an activity, color the pair of shoes as you can see, and you have to color it. आपको ये color करना है और इसे बहुत सुंदर सा beautiful सा बनाना है. Now let's start our story. Hari is a poor cobbler. Hari कौन है? Poor cobbler है. Who is the cobbler? Cobbler who mends our shoes. जो हमारे shoes को ठीक करता है, सिलता है. So उसे हम क्या कहते हैं? Cobbler. He lives in a small hut with his wife Girija. Here is the wife Girija. One day he makes a beautiful pair of shoes. They are red with white laces. Laces जैसे आप अपने shoes को tie करते हैं, बांधते हैं. So here is the beautiful pair of shoes. Red shoes with white laces. He puts them on the table in his shop. उसने अपने table पे, अपनी shop की table पर रख दिए. A small boy walks into his shop. See, here is the small boy. He looks at the shoes. He tries them on. The shoes fit him. और वो shoes उसको आ गए. Boy's shop पे आया, try किए और ये shoes इस boy को fit हो गए. He wants to buy the shoes but he has no money. अब उसको shoes तो लेने हैं but उसके पास क्या नहीं है? Money नहीं है, पैसे नहीं है, रुपए नहीं है. He has a strange toy with him. Strange toy. A different toy. Unusual toy. जैसा मतलब अलग हो सबसे, वैसा कोई toy नहीं है. So that's called strange. So he has a strange toy with him. He gives that toy to Hari. और उसने वो toy Hari को दे दिया. The boy tells him that its name is Robot. Its name is Robot. So उसका नाम क्या है? Robot है. It can do many things. ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. It can walk, talk, sing and dance. क्या क्या कर सकता है? Walk चल सकता है, talk बात कर सकता है, sing गाना गा सकता है and dance और dance कर सकता है, नाच सकता है. Hari and his wife are happy. हरी और उसकी वाइफ क्या हुए? खुश हो गए स्ट्रेंज टॉय देखकर. हरी सेज लीव रॉबोट विद अस. इस रॉबोट को आप हमारे पास छोड़ जाओ. कम आफ्टर 3 days टू टेक इट. और 3 दिन के बाद आप इसे हमसे ले जाना. इन द इवनिंग हरी वॉन्ट्स टू वर्क. अब शाम को हरी को क्या करना था? वॉन्ट्स टू वर्क, वो काम करना चाहते हैं. ही लुक्स इन हिज कबर्ड. कबर्ड मीन्स अलमीरा, जहाँ पे हरी अपना सामान रखता है. ही फाइंड्स दैट देयर इज नो लेदर लेफ्ट. उसने देखा वहाँ तो कोई लेदर ही नहीं है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेदर? लेदर जिससे हरी शूज़ बनाता है, जिससे हमारे शूज़ बने होते हैं लेदर, ठीक है, जिससे हमारी बेल्ट बनी होती है उसे हम लेदर कहते हैं. हरी, देयर इज नो लेदर इन द कबर्ड. आई कैन नॉट मेक एनी शूज़. हरी ने बोला मेरे तो कबर्ड में लेदर ही नहीं है तो मैं तो शूज़ ही नहीं बना सकता. गिरिजा, डोंट वरी आई हैव अ स्मॉल पीस इन माई बॉक्स. गिरिजा ने क्या बोला? डोंट वरी, चिंता मत करो. आई हैव अ स्मॉल पीस इन माई बॉक्स. मेरे बॉक्स में एक छोटा पीस रखा हुआ है. यू कैन यूज़ दैट. आप उसको यूज़ कर सकते हो. दैट नाइट हरी कट्स अ पेयर ऑफ शूज़ विद दिस पीस. विद दिस पीस यानी जो गिरिजा ने पीस दिया था उससे हरी ने क्या किया? शूज़ को कट कर दिया.
देन ही गोज टू बेड, और फिर वो गोज टू बेड यानी वो सोने के लिए चला गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट्स अ सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स उसको एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, जिसे हम अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट कहते हैं ना, दैट्स कॉल्ड सरप्राइज, और यू कैन से सरप्राइज अ गिफ्ट. एंड मॉर्निंग इज सुबह, अगली मॉर्निंग, अगली सुबह उसको मिलता है एक सरप्राइज. वॉट इज द सरप्राइज, क्या है वो सरप्राइज, दैट वी विल सी इन आर नेक्स्ट क्लास. नाउ वी विल डू आर फोर न्यू वर्ड्स, ब्यूटिफुल, लेसेस, मनी, कबर्ड एंड मॉर्निंग इन आर नोटबुक. दीज आर द न्यू वर्ड्स. सो एज यू कैन सी इन माई नोटबुक, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डे, डेट, देन चैप्टर नंबर, टॉपिक, देन फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटिफुल. वॉट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटिफुल, सुंदर. लेसेस, जिसे आप अपने शूज को टाई करते हैं. मनी, रुपए. कबर्ड, अलमीरा, अलमीरा. मॉर्निंग यानी सुबह. ओके, नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग एंड यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑल्सो. स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अलग सा, डिफरेंट, नॉट कॉमन. सो माई फ्रेंड हैज अ स्ट्रेंज पेंसिल. सो अंडरलाइन दिस वर्ड, स्ट्रेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सरप्राइज, एज आई टोल्ड यू, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट और गिफ्ट. यू कैन राइट गिफ्ट ऑल्सो और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट. आई गॉट अ सरप्राइज ऑन माई बर्थडे. आई गॉट अ सरप्राइज ऑन माई birthday. So you have to do this work and you have to read from here and till surprise. Okay, next we will read in our next class. Okay, bye, take care everyone.